नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप पंजाब एंड सिंध बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में विजिट नहीं करना होगा, अपना स्टेटमेंट निकाल करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, कैसे डाउनलोड कीजिएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए इससे पहले आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप देखो ना, हम इसमें रजिस्टर करके लॉगिन किए हुए हैं। आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे कीजिएगा, डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कैसे आप रजिस्टर कीजिएगा, कैसे इसमें लॉगिन कीजिएगा, हम अलग से डिटेल पूर्वक वीडियो बनाए हुए हैं। जब इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर दीजिएगा अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए, फिर देखिए इसमें आपको ऑप्शन एक मिलेगा माई अकाउंट्स का। आप यहाँ देख पाएंगे, आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा और आपको एक कोने में ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा या फिर इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, देखिए इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोर डिटेल का। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, यहाँ बैलेंस शो हो जाएगा। अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप मोर डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपका कुछ मिनी स्टेटमेंट भी शो होगा, आप अपने अकाउंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह किए होंगे। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट के आपको ऑप्शन एक मिलेगा डाउनलोड, आप देख पाएंगे आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना स्टेटमेंट लंबे टाइम का निकालना चाहते हैं, फुल स्टेटमेंट चाहते हैं, इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिला देखिए यहाँ पे डिटेल स्टेटमेंट का। आपको फिर इसी के ऊपर क्लिक करूँगा अपना स्टेटमेंट डिटेल पूर्वक निकालने के लिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए। पहला ऑप्शन मिला देखिए पीरियड का। जैसे आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको सेलेक्ट करना होगा देखिए आप कब का अपना स्टेटमेंट चाहते हैं, लास्ट वन वीक का या फिर करेंट मंथ का, जो महीना चल रहा है उसी महीने का अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, या फिर क्वार्टरली अर्थात अपने लास्ट के तीन महीने का स्टेटमेंट चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप जैसे यहाँ से गेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके अकाउंट के लास्ट के तीन महीने का पूरा स्टेटमेंट यहाँ डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप हाफ ईयर अर्थात छः महीने का निकाल सकते हैं, ईयरली अर्थात आप पूरे एक साल का निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रीव्यू FY अर्थात आप लास्ट फाइव ईयर अर्थात अपने पाँच साल का स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, यदि आप इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको डेट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको वो डेट सेलेक्ट करूँगा जिस डेट से जिस डेट का आप अपना स्टेटमेंट चाहते हैं। यहाँ देखिए आपको एक डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ भी आपको एक डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस डेट से अपना स्टेटमेंट चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करके आपको गेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपका पूरा स्टेटमेंट यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन काउंट। आप अपना ट्रांजेक्शन ही केवल देखना चाहते हैं, जैसे कि लास्ट के 20 ट्रांजेक्शन केवल चेक करना चाहते हैं या फिर लास्ट के 50 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन, आप जैसे यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए 10 ट्रांजेक्शन, 20 ट्रांजेक्शन, 30 ट्रांजेक्शन और 50 ट्रांजेक्शन। आप जितना ट्रांजेक्शन चाहते हैं, अपने अकाउंट के साथ जो भी लेन देन किए होंगे, आपको केवल ट्रांजेक्शन ही यहाँ शो होगा। यदि आप किसी और सर्विस को यूज किए तो वो आपको यहाँ शो नहीं होगा। हम चलिए यहाँ से डेट वाइज चेक करना चाहते हैं, डेट वाइज को सिलेक्ट कर लेंगे। अपना डेट सेलेक्ट करने के बाद जैसा फिर गेट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका स्टेटमेंट देखिए इस प्रकार से शो हो जाएगा। आप अपने अकाउंट के साथ जो भी लेन देन किएंगे उस डेट के अंदर में आपको पूरा स्टेटमेंट शो जाएगा। देखिए टोटल जो आपके अकाउंट में पैसा जमा किया हुआ रहेगा तो यहाँ वो बैलेंस यहाँ शो जाएगा, और जितना पैसा आप अपने अकाउंट से निकाले होंगे उस डेट में, जो कि आप डेट ऊपर में सिलेक्ट कीजिएगा, हम डेट सेलेक्ट किए हुए, वो बैलेंस यहाँ शो जाएगा। और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा होगा उस डेट में वो यहाँ शो होगा। मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा था, जितना हम जमा किए थे उतना बैलेंस निकाल लेते, आपका पूरा बैलेंस यहाँ शो जाएगा। और जिस प्रकार से आप निकासी करेंगे UPI से या फिर अपने ब्रांच में जाकर के या फिर आधार कार्ड से, आपको पूरा स्टेटमेंट इसमें देखने के लिए मिलेगा। आप देख पाएंगे हम अपने अकाउंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए थे वो शो रहा है, आपको और भी स्टेटमेंट मिलेगा। एक पेज में आपको केवल 20 स्टेटमेंट शो होगा। उसके बाद और भी चेक करने के लिए गेट मोर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया आपको 40 स्टेटमेंट फिर शो होगा, 20 स्टेटमेंट और शो होगा। और भी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको गेट मोर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो उस डेट के अंदर में जितना भी ट्रांजेक्शन किएंगे पूरा ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ देखिए दो ऑप्शन मिलेगा। पहला डाउनलोड एक्सेल, यदि आप एक्सेल फाइल में आप इसको डाउनलोड करना चाहते आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यदि PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते आपको PDF के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसा आप इस PDF के ऊपर क्लिक कीजिए आपका स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हम डाउनलोड किए हुए हैं, आपको इस प्रकार से पंजाब एंड सिंध बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड होकर के देखने के लिए मिलेगा।
आप अपना डाउनलोड चेक कर सकते हैं। यदि आप अपने पीसी में अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, देखिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का आइकन, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना पीडीएफ चेक कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल वगैरह में क्लिक किए तो आपको गूगल में ऊपर में ऑप्शन मिलेगा थ्री लाइन का, आप थ्री लाइन के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ऑप्शन एक मिलेगा डाउनलोड का, आपको इसी डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपका पीडीएफ डाउनलोड हुआ रहेगा, आपको इसको यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करके जैसे आप इसको ओपन कीजिए तो आपका स्टेटमेंट यहाँ शो हो जाएगा, इस प्रकार से ओपन होगा। देखिए मेरा पीडीएफ ओपन हो गया, आप क्या ब्रांच कहाँ पे पूरा डिटेल इसमें शो हो जाएगा, और आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, किस प्रकार का अकाउंट है, कब आप अपना अकाउंट ओपन किया, पूरा डिटेल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से अपना स्टेटमेंट घर बैठे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच नहीं जाना होगा, इसके लिए आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कैसे कीजिएगा, हम सभी टॉपिक के ऊपर डिटेल पूर्वक वीडियो किए हुआ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. धन्यवाद।